वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का इस वीडियो में हमारा राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज के सिल्वर जुबली की जो जितना भी होगा उसको मैं दिखाने की कोशिश करेगा, और सुबह का रैली वो सबको मैं दिखाने की कोशिश करेगा। तो उसको ब्लॉग टाइप में होकर जो जो वीडियो शूट करेगा उसको डायरेक्ट दिखाने की कोशिश करेगा, तो आप लोग बने रहना। ये है हमारा गेट, बहुत अच्छा से बना हुआ है। अभी हम सब पहुंच चुके हैं मार्केट की ओर, रैली कंटिन्यू है अभी। तो आप सबको दिखाएंगे कि रैली किस तरह आगे की ओर जा रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। तो दर्शकों मेरे साथ बने रहिएगा, हाँ, न्यूज़ सिपो होते तिरप डिस्ट्रिक्ट से। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं किस तरह हमारे रैली आज के रैली हो रहे हैं। बहुत ही गंभीर तरीके से आज के रैली हो रहे हैं, चल रहे हैं। आप सब नज़र डाल सकते हैं, देख सकते हैं, गाड़ी भी काफ़ी कम है आज। रैली काफ़ी मजबूत बड़े ज़ोरदार से हो रहे हैं, गाड़ी भी आ रहे हैं पीछे से। तो चलिए बने रहिए दर्शकों मेरे साथ। We will be having the lighting of the lamp right now. हमारे छात्र और छात्राएं वो आए और वेलकम सॉन्ग प्रस्तुत करें। Yeah.
and they have done various social, national and community service. They have attended various national camps and regional camps, especially in the nearby regions like Digboi, Meos, and recently concluded camp that is Sadia, where they Captain of the crew, Captain of the crew, Cadet Wakin Tekwa of BS6 semester. This was a display by the NCC wing of Bankaraj Kumar Government College, and they deserve our applause. इस माहौल में और इस जगह से हमारा पार्स नौमे नमाती साहब, उसके बाद कैप्टन राजकुमार एमएलए रहे और वांग पालवांग साहब एमपी भी रहे और एमएलए भी रहे, और मेरा दोस्त वांगसा राजकुमार एमएलए एमपी रहे, और सांको मोहनडिक आस वांगकी लुवांग साहब है, इस देवमाली से आप इस चीज का इमेजिन कीजिए। इस धरती में कुछ न कुछ है, नहीं तो इतना बड़ा बड़ा लोग यहां से कैसे एमपी एमएलए मिनिस्टर बन सकता है। तो इसलिए ये जगह जो है कहीं न कहीं बहुत गहराई में छुपा हुआ एक ब्लेसिंग देने वाला ये देवमाली जगह है। इसका उपयोग हम लोग को करना चाहिए। आज मैं आबो गानम भाई को मैं थैंक्स देता हूं। 37 इयर्स पहले एक ही कॉलेज था, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट, ईटानगर में नाइट कॉलेज शुरू हो रहा था, उसमें हम भी जनरल सेक्रेटरी बनने का मौका मिला था विद 900 स्टूडेंट्स। इसलिए कॉलेज लाइफ कैसा है, आज एल्यूमिनिस यहां बहुत से एल्यूमिनिस आए हैं, कॉलेज लाइफ का आप अभी ही आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम योर कॉलेज नाउ द वैल्यू एडिशन ऑफ ए कॉलेज लाइफ इज रियलाइज टुडे। सर से जानने की कोशिश करते हैं कि सर का जर्नी और सर का यहाँ में उसका यहाँ में सर्विस किस तरह रहा सर? जी ओके, आप सबका को धन्यवाद। मैं आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ वांगसा राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज में आकर, और तिराप खासकर मेरे लिए घर के तरह है। मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि जो रिकॉग्निशन मुझे अपने नेटिव प्लेस में नहीं मिला वो मुझे तिराप में मिला, और मैं इस वांगसा राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज का फर्स्ट रेगुलर लेक्चरर था। जब 97 में कॉलेज ओपन हुआ था तो मैं चार्जों में ज्वाइन किया था, और तब हमारा कॉलेज एक प्राइमरी स्कूल में चलता था। प्राइमरी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में चलता था, कॉलेज हमारा आफ्टर 10 चलता था। और इस कॉलेज के जैसे हम अगर कहेंगे कि बनने में बनाने में एक एक कण में जो कंट्रीब्यूशन है वो याद आता है। आज मुझे एक तरह से प्रमोशन करके डायरेक्टरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ईटानगर में ले जाया गया है, लेकिन मैं आत्मा से यहीं से जुड़ा।
जरूर मैं वहाँ हूँ, लेकिन हर समय मुझे अपना ये कॉलेज मेरे अपने घर से ही ज़्यादा है। और आज इस सिल्वर जुबली में जब मैं अटेंड करने आया हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे सारे बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेरे लाइफ की सबसे जो बड़ी खुशी का कोई अगर पल होगा तो वो आज का पल है। सर चेंजेस क्या दिखाई दिया सर प्रेजेंस में? हाँ, चेंजेस मैं आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी जब मुझे प्रिंसिपल इंचार्ज मिला तो ये आप ये जो कॉमर्स ब्लॉक देख रहे हैं ये पूरा मेरे टेन्योर में बन गया, ये पूरा मेरा कंटिन्यूशन। उसके बाद वो गर्ल्स हॉस्टल जो बना, जो मैंने भी बताया वहाँ दिल्ली में हम लोगों का एक मीटिंग उड़ीसा के अंदर बना, तो मैंने अपने स्टूडेंट के ग्रीवांस को वहाँ वेंटिलेट किया कि हमारे जो लॉन्गिंग्स है, क्योंकि ये ट्विन डिस्ट्रिक्ट के नीड को ही कैटर नहीं करता है, ये तिराप से भी चांदन से और लॉन्गडिंग के हमारे बच्चे हैं। तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट सेक्रेटरी 5 करोड़ गर्ल्स हॉस्टल को मेरे समय ये जो हाफ हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने मांगी सर गवर्नमेंट के लिए दिया और 50 और पीछे समय में हुआ जब तक और इस सब नॉक का भी इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने पेमेंट नहीं किया था। हम उस समय प्रिंसिपल साहब भी ज्वाइन और इसीलिए